हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि अप्रैल मई की तपती धूप में कौन से ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो आपके प्लांट में आप अप्लाई करिएगा तो आपके प्लांट हेल्दी भी बनेंगे। प्लस अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग बर्ड्स नहीं बन रहे हैं, फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, आपका प्लांट हेल्दी ग्रोथ नहीं कर रहा है, मुरझा रहा है, तो इन घरेलू फर्टिलाइज़र का उपयोग करके आप अपने प्लांट में फ्लावरिंग भी ला सकते हैं, प्लस अपने प्लांट को हेल्दी भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो में बने रहिएगा। तीन ऐसे फर्टिलाइज़र तरल खाद आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ जो कि हर एक प्लांट के लिए, वेजिटेबल प्लांट हो या फिर फ्लावरिंग प्लांट हो, सभी के लिए उपयोगी होने वाला है। इस तरह के होममेड फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स प्लांट की जड़ों को मजबूत बनाते हैं, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, मरते हुए प्लांट को भी इस तरह के फर्टिलाइज़र कई बार बचा लेते हैं। तो इन फर्टिलाइज़र का यूज़ आप बेझिझक अपने प्लांट्स में कर सकते हैं। इस तरह के होममेड फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स, चाहे वो सूखी पत्तियों का हो, वेजिटेबल के छिलकों का हो, हमारे प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं। जो फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। अगर आपके प्लांट में थोड़ा ज़्यादा भी डल जाता है तो कोई नुकसान नहीं करता। सबसे पहला फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स गाय के उपलों का, उपले कह लो या क्योंकि फ्रेंड्स गाय के उपलों में काफ़ी ऑर्गेनिक तत्व होते हैं, जैसे कि फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ये काफ़ी मात्रा में होते हैं जो हमारी प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, हेल्पफुल रहते हैं और हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को अच्छा करते हैं। चाहे इंडोर प्लांट्स हो या आउटडोर प्लांट हो, तपती धूप में आप इस तरह के फर्टिलाइज़र देके अपने प्लांट्स को हरा भरा बना सकते हैं और अपने प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेशियो रखना है तो 5 लीटर पानी में फ्रेंड्स आप एक उपला भिगोएं 2 से 3 दिन के लिए, या जितने दिन ज़्यादा भिगोएंगे उतना ही पानी आपका हेल्दी बनेगा और अपने आपके प्लांट्स के लिए हेल्दी रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने 1 बाल्टी पानी लिक्विड फर्टिलाइज़र का बनाया तो उसमें 1 बाल्टी सिंपल पानी का मिला दिया और वो अपने प्लांट को दिया। फ्रेंड्स, काफ़ी चमत्कारी फ़ायदा करते हैं इस तरह के फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स में। फ्रेंड्स, अगला होममेड फर्टिलाइज़र है, तरल खाद है, ओनियन पील का। प्याज के छिलके तो फ्रेंड्स हमारे घर से निकल ही जाते हैं, काफ़ी मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होते हैं ये प्याज के छिलके। आप चाहें तो फ्रेंड्स इन प्याज के छिलकों को सूखी खाद में भी यूज़ कर सकते हैं और लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के आप अपने प्लांट्स में देते हैं। चाहे वो प्लांट्स छोटा हो या बड़ा हो या कोई भी सीजन हो फ्रेंड्स, सभी सीजन में आप इस तरह के फर्टिलाइज़र, जो घरेलू फर्टिलाइज़र होते हैं, होममेड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। हमारे प्लांट्स को कभी भी नुकसान नहीं करते, किसी भी सीजन में दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अभी गर्मी बहुत पड़ रही है और हमारे प्लांट्स का पानी, हमारे पॉट का पानी ज़्यादा जल्दी सूख जाता है, तो उसके लिए फ्रेंड्स हम मल्चिंग भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मल्चिंग करने का फ़ायदा यही होता है कि हमारे प्लांट्स में इस तपती गर्मी में नमी बनी रहती है और हमारा प्लांट धीरे धीरे इसके विटामिन जो होते हैं हमारे प्लांट को मिलते रहते हैं, जिससे हमारा प्लांट हेल्दी ग्रोथ करता रहता है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी आसान है इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाना, तरल खाद बनाना। फ्रेंड्स, आपको आपके प्लांट के अकॉर्डिंग ही प्याज के छिलके लेने हैं और पानी लेना है। फ्रेंड्स, बस उस पानी में इन छिलकों को आप पूरी रात भिगो के रख दें। अब तो गर्मियां हैं तो फर्टिलाइज़र जल्दी ही रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, कोई तामझाम नहीं है इस फर्टिलाइज़र को बनाना, बहुत जल्दी ये फर्टिलाइज़र रेडी भी हो जाता है। फ्रेंड्स, प्याज के छिलकों में इतनी शक्ति है कि ये फ्लावरिंग बर्ड्स बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। फ्लावरिंग बर्ड्स बनते हैं तो फ्लावर्स खिलते हैं और काफ़ी हेल्दी फ्लावर्स खिलते हैं। फ्रेंड्स, हर 15 से 20 दिन के गैप में आप आउटडोर प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको इंडोर प्लांट्स में इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करना है तो 1.5 से 2 महीने के गैप में आप अपने इंडोर प्लांट्स में ओनियन पील के फर्टिलाइज़र को बेझिझक दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के होममेड फर्टिलाइज़र, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं, ये हमारे प्लांट्स में अगर ज़्यादा भी चले जाते हैं तो कोई नुकसान नहीं करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को छान लेना है और छान के मैंने इस पानी का यूज़ करना है। जैसे मैंने फ्रेंड्स 1 बाल्टी लिक्विड फर्टिलाइज़र का लिया है तो 1 बाल्टी ही मैंने इसमें सिंपल पानी का मिला देना है। इस तरह से फ्रेंड्स आप वेस्ट छिलकों का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं और कचरे को कम कर सकते हैं और फ्रेंड्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं इस तरह के होममेड फर्टिलाइज़र। ऑनियन तो फ्रेंड्स हर एक के घर में मिल ही जाते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आप प्याज के छिलकों का सही उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से तरल खाद रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्याज के छिलकों का जो फर्टिलाइज़र होता है वो फ्लावर्स लाने में तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, लेकिन प्लांट्स की जो मिट्टी होती है कई बार डैमेज हो जाती है,
उस मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जो ओनियन पील फर्टिलाइज़र है ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है फ्रेंड्स। हर 15 से 20 दिन के गैप में अगर हम इसे प्लांट की मिट्टी में देते हैं तो हमारे प्लांट की मिट्टी रिच भी बनती है, हेल्दी बनती है। चाहे फ्रेंड्स गाय के उपलों का फर्टिलाइज़र हो, ओनियन पील का फर्टिलाइज़र हो या केले के छिलकों का तरल खाद हो, ये हमारे जो प्लांट की मिट्टी होती है उसे उपजाऊ बनाते हैं। जो हमारी प्लांट की मिट्टी होती है उनमें पोषक तत्वों को बरकरार रखते हैं, जबकि हम जब केमिकल फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पे यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे प्लांट की मिट्टी को डैमेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह की फ्री की खाद अपने प्लांट को देकर आप अपने प्लांट को और प्लांट की मिट्टी को दोनों को हेल्दी रख सकते हैं। चाहे फ्रेंड्स ओनियन के छिलके हों या बनाना के छिलके हों, इनमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो भी फ्रेंड्स होते हैं इनमें काफ़ी भरपूर मात्रा में मिलते हैं। चाहे ये छिलके ही हों, भरपूर मात्रा में इनमें विटामिन्स होते हैं जो हमारे प्लांट की ग्रोथ को अच्छा और हेल्दी बनाते हैं। फ्रेंड्स बिल्कुल सेम जिस तरह से हमने ओनियन पील फर्टिलाइज़र रेडी किया है, तरल खाद रेडी की है, उसी तरह से हमें बनाना पील की खाद भी रेडी करनी है। फ्रेंड्स इनका अलग अलग वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे बना रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। फ्रेंड्स प्लांट के अकॉर्डिंग मैं अपने जो पॉट है मेरे घर में, प्लांट्स के पॉट हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने बनाना के छिलके काफ़ी दिनों से देखिए सेव कर रखे थे। अब ये छिलके पूरी तरह से सूख चुके हैं। फ्रेंड्स आप चाहें तो इन छिलकों का भी मल्चिंग कर सकते हैं अपने पॉट में, इस टाइम पर काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं मल्चिंग भी इस तरह से छिलकों की। और देखिए पूरी रात भिगोने के बाद ये भी मेरा फर्टिलाइज़र रेडी हो गया है। फ्रेंड्स अब मैंने इस फर्टिलाइज़र को एक बाल्टी फर्टिलाइज़र को लेना है और एक बाल्टी इसमें मैंने सिंपल पानी में मिला के अपने हर एक प्लांट को दे देना है। चाहे फ्रेंड्स वो मेरा प्लांट पॉट में लगा हो चाहे ज़मीन में लगा हो, मैं सभी प्लांट को ये पानी देती हूँ। इस पानी का डबल पानी करके मैंने इस पानी का अपने प्लांट में यूज़ करना है, कोई नुकसान नहीं करता। फ्रेंड्स कैल्शियम पोटेशियम विटामिन से भरपूर ये पानी होता है। फ्रेंड्स केमिकल खाद कहीं ना कहीं हमारे प्लांट्स को नुकसान करती है, लेकिन इस तरह की खाद हमारे प्लांट्स को बिल्कुल नुकसान नहीं करती हैं। हो सके तो फ्रेंड्स आप इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को शाम के समय दें। और फ्रेंड्स इस तरह के फ्री के होममेड फर्टिलाइज़र आप हर 15 से 20 दिन के गैप में अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। फ्रेंड्स अपने प्लांट के अकॉर्डिंग, अपने प्लांट के पॉट के अकॉर्डिंग इस फर्टिलाइज़र को आप यूज़ करें। छोटा पॉट है तो एक मग्गा बहुत है, अगर बड़ा पॉट है तो दो मग्गे भी दे सकते हैं। अगर थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई नुकसान नहीं करते, ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र आपके प्लांट को बेझिझक आप दे सकते हैं। फ्रेंड्स बाय। अगर आपको मेरा आज का वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, गो ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग।